नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से ही जुट गई हैं। वैसे तो राजस्थान में दो ही पार्टियों का शासन रहा है, वो दो पार्टी हैं कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसलिए आप पार्टी ने अपने रणनीतिकार नेताओं को मैदान में उतार दिया है। ये नेता अभी से ही राजस्थान जाकर वहां का दौरा कर रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि अन्ना आंदोलन के दौरान दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा लोग जुड़े वो राजस्थान के थे, तो यहां हमारी टीम एकदम तैयार है। राजस्थान में पिछले एक साल से काम कर रहे हैं, यहां भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मिश्रा का कहना है कि राजस्थान में लोग दिल्ली के मॉडल से खुश हैं, यहाँ सभी चाहते हैं कि दिल्ली का मॉडल लागू किया जाए, यहाँ तो लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े। मिश्रा ने कहा कि हमारा सबसे पहला टारगेट है कि 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम को सफल बनाना है। उसके बाद 22 और 23 मार्च तक संगठन की घोषणा कर दी जाएगी, हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान भी चला रही है। पार्टी का कहना है कि अब तक पार्टी से 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं। सदस्यता को लेकर द्वारका के विधायक विनय मिश्रा ने बताया कि कुछ ही दिनों में 4 लाख लोग पार्टी से जुड़ गए। बिना पुश किए जब इतने लोग जुड़ गए हैं तो आगे तो बहुत लोग जुड़ने को तैयार हैं। हमारा संगठन बड़ा बनेगा, केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि ब्लॉक और सर्कल लेवल तक संगठन की घोषणा होगी। सर्कल लेवल का मतलब होता है 5 गाँव पर एक पदाधिकारी। उसके बाद हम गाँव तक संगठन खड़ा कर देंगे। मई महीने के बाद पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी का संगठन आपको दिखेगा। उनका कहना है कि राजस्थान में आप सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ेगी, अच्छे लोगों को हम जोड़ रहे हैं, हम अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, अच्छा स्कूल अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना चाहते हैं। अच्छा स्कूल अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने के साथ साथ हम नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले लोगों को तैयार करेंगे। राजस्थान में चुनाव में बीजेपी और आप में लड़ाई होगी, कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई है, आप पेपर लीक को मुद्दा बनाएगी, कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है। जनता यहां पर असली और डुप्लीकेट केजरीवाल को जानती है, यहां की जनता केवल अरविंद केजरीवाल जानती है। हमारे लिए पार्टी नहीं बल्कि देश महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच दिल्ली के केजरीवाल सरकार संकट से गुजर रही है। बीते दिनों मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद ही उन्होंने और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया, जिसे अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ आप देखते रहिए तमाम खबरों को जानने के लिए पंजाब केसरी .com।